हमारे यहाँ अगर कोई भदरवा में कोई बंदा घूमने भी आता है ना, उसको होटल नहीं मिले तो कोई भदरवाही बंदा उसको अपने घर ले जाएगा, खाना खिलाएगा, सुलाएगा, उससे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपने घर वापस कब जाना है। तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं फॉलोअर्स हूँ इन सब का, अनूप गोस्वामी जी हो गए, इधर हमारे गोयल साहब हो गए, डोडा डायरी, अजितेश, इधर असीम, मैं हाजिर हूँ। मेरी बारी है। लास्ट आगे हाँ, तो यही तो हमें इंतजार था। यहीं से तो व्यूज आएंगे। So what's up my YouTube family? I hope आप सारे बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बाहर बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि पाकिस्तान ना बहुत चुल मचा रही थी और कहते हैं ना कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो परफॉर्मेंस दी ना वो पिछवाड़े पे लात मार दिया। हमने ना ये थोड़े बहुत डब्बे रखे उनके आंसू भरने के लिए, सही आंसू भरने के लिए, ये कम पड़ जाएंगे हम और जमा करेंगे, बट ये रहे। ये है पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए जो जो रो रहे हैं, ये जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं। सही सही बिल्कुल। तो आज हम आए हैं टॉप FM में, जब भी सुनो टॉप सुनो, तो जब भी देखो हमें देखो यार, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी अनूप भाई का इंटरव्यू हो रहा है, तो आफ्टर इंटरव्यू अभी हम सारे एक साथ बैठेंगे, उसके बाद चिल करेंगे। चिल तो करेंगे और साथ में हम अपने जितने भी जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है अपना इंट्रो देंगे। तो मैं आपको वीडियो में RJ आर्यन भाई से मिलाऊंगा। सो कीप वॉचिंग ओनली जकास बदलाई मठो। मेरा नाम आकाश बहाल है, बीएड वाला व्लॉगर मैं हूँ बेसिकली देश से। अच्छा, क्या बात है। तो नानी का घर भी भदरवा में है, तो अभी छोटा मोटा YouTube चैनल स्टार्ट किया है और मेडिकल के फार्मेसी कर रहा हूँ। YouTube पे क्या करते हो? व्लॉगिंग। बहुत अच्छा। ट्रैवल व्लॉगिंग, फूड व्लॉगिंग, कौन से वाली? ऑल जो मतलब आए। अजितेश को फॉलो करते हो? बिल्कुल, अनूप भैया को भी करते हैं, आसिम भैया को भी करते हैं। अभी मैंने समझाया क्या, मैं डोडा घर आने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने जैसे कि स्पोर्ट्स में आगे काफ़ी नेशनल वगैरह तक खेल लिया। तो मैं कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हुआ था 2017 में, तो ड्यू टू पासवर्ड के रीज़न मैं जा नहीं पाया। फिर अभी जब लॉकडाउन था मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी शुरू की। मेरा चैनल है मैं भदरवाही ब्लॉगर जेके जुरचे। अच्छा, जेके जुरचे स्टार्ट किया। तो फिर अभी मैं अभी यहाँ पे अभी सब कुछ कर रहा हूँ, जो भी अपना स्टार्टअप है, थोड़ा से वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अब मैं वहाँ डोडा में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाकर सेटल होना चाहता हूँ और जितने भी वहाँ के बच्चे हैं उनको सबको स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहता हूँ। सही। मेरा नाम रजत शाह है, मैं भदरवाह से हूँ। तो अभी मैंने चैनल मतलब अपना यूट्यूब पे इसी साल स्टार्ट किया है। तो मैं इससे पहले 2014 से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं 2019 से रहा हूँ। तो मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, मतलब मेरा काम यही है कि मतलब मैं हर एक बंदे को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मेरे लिए वो मतलब मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, तो बस यही है। सब जानते हो आप, नो डाउट करते हो तुम, ऑब्वियसली करते हो। मेरा नाम है विनीत गिरी, ओमी बडला रहा बडलाई प्राणुक जगह है तस्करा बांट लूंगे त्याग बडोने। मैं हूँ बडोना से, ठीक। जय हुए मी तुमची राम नोमे से जानतन, क्योंकि मैं काम की और थोड़ा तितरू नहीं की और, लेकिन अपनी आती सिमी बड़ू की और मेरो नहीं आती। एक्टिंग में घुसनोर कोई मतलब नहीं आती है, सीधी गल है। मेरा रोक किया है कि मैंने आर्मी में ही जाना है बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मेरा नाम साहिल शर्मा है, मैं डोडा से शिवा से हूँ और इस वक्त मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और रैप भी कर रहा हूँ। और मेरा मेन यही है, पहले मैं अब क्या बताऊँ, मतलब शौक में शुरू कर दिया था, बट फिर मज़ा आ रहा है तो हम कर रहे हैं। तो अब यही है कि मतलब मैं अपने रैप से बस यही करना चाहता हूँ कि जैसे जो आपकी लाइफ में हो रहा है या आपकी लाइफ में हो रहा है, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस अपने रैप में शेयर करना चाहता हूँ, चाहे फिर वो इशू हो या कोई मज़े वाली बातें हो, वो सारी मैं अपने रैप से करता हूँ। तो अभी व्यूज़ पे उतना ध्यान नहीं है, पहले होता था, पर कोई नहीं। हमारा इतना ही है कि हमारी जिस दिन ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी हमारे साथ, वो अपने आप सब्सक्राइब करने लगेगी, हमारे कंटेंट के साथ जुड़ने लगेगी। तो सो यही है कि मैं सबके एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ ताकि सब अपने आप को मतलब देख पाए मेरे में कि हाँ हम भी ये कर रहे थे। तो वही सब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको पता है कि मतलब मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ, सिर्फ अपना मोटिव यही है कि भदरवाह को आगे लेके जाना है, ठीक है नहीं। तो बाकी सारे जितने भी यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे काम करते रहो, ठीक है। बाकी मेरा और आसिम का एक ही मोटिव है कि जितने भी भदरवाह के आर्टिस्ट हैं उन सबको हम सपोर्ट करें। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डोडा डायरी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। नहीं हम तो है, बट इसका बड़ा चल रहा है ना यार, हम तो अभी छोटे मोटे हैं तो इसको काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी मैं कॉमेडी वीडियोस निकालता हूँ, ठीक है। और जो भी भदरवाह के इश्यूज़ होते हैं उसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और सबको थैंक यू कि आपकी वजह से जो भी हूँ मैं हूँ, जितना भी हूँ 100 सब्सक्राइबर या जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब आपकी वजह से हूँ। और थैंक्स टू आर जे भाई जिन्होंने मुझे बहुत मोटिव किया, ठीक है, मोटिवेट किया, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ऐसे ही सबको, जितने भी क्रिएटर्स हैं सबको सपोर्ट करें। बाकी लव यू एंड रिस्पेक्ट। क्या बात है, ये भी सही है, ठीक है। तो मेरा नाम असीम है। अभी स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, मतलब सिर्फ रैपिंग वगैरह ही शुरू किया था। बट जब एक टाइम आ जाता ना, मेरे को काफ़ी चीज़ों का शौक है कि मतलब ये चीज़ करूँ जैसे भी करूँ, ठीक है। बीच बीच में जो मेन जो भदरवाह का था, ठीक है, हमें भी था, उतना कुछ बोलते हैं ना कुछ था नहीं कि ठीक है हो रहा है। तो जिस टाइम बीच में अगर आपको याद होगा जैसे फुलकारी का इवेंट हुआ था, उस टाइम देखो सीधी बात है जो मैंने जिसकी पोस्ट देखी दा भदरवाह करके पेज था, तो उसने एक चीज़ उठाई थी। उसके बाद भी मैं भैया के साथ भी मेरी थोड़ी बातचीत हुई और भैया को भी उसी टाइम मैंने थोड़ा वो हो गया जो हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद चीज़ ये है कि फिर जब वो चीज़ हो रही थी, उससे पहले मैंने गाना भी डाला था, तो जस्ट ऐसे मौजूद में डाला, पर वो गाना भी बाद में व्यूज़ देना शुरू कर गया इंस्टाग्राम पर। उसकी वजह से थोड़े सब्सक्राइबर आए और बाद में फिर ये चीज़ हो कि हाँ बहुत से इश्यूज़ होने शुरू हो गए। तो हमारे साइड से दिक्कत ये आ रही थी जो अभी भी आप समझ सकते हो कि है कि हमारे साइड से ना कोई एक इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है कि जो अगर कुछ बोल दे तो लोग सुने, वो आपको अभी भी पता कि है ही नहीं, अभी भी कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 1 या 2 इन्फ्लुएंसर हमारी साइड से बने कि जब कोई इश्यूज़ आए तो वो जब बोले ना तो लोगों को सुनना पड़े और लोगों उनके सपोर्ट में भी आए। बस एक वो चीज़ की कमी है, बस उसी चीज़ में है कि यार अगर हम थोड़ा साथ करके ग्रो करेंगे एंड जब एक टीम बन जाएगी तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ जुड़ेंगे, एक की ज़रूरत नहीं, हम सारे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बाकी वही है जो थोड़ा बहुत मेरे को जो अपने भदरवाह में थोड़ी कमी लगती है, लोग ये सोचते हैं कि कोई भी इशू हो हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। जब ये चीज़ सोचते हैं ना तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं जैसे अभी मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दिया है, तो अभी सब कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर ही रहा हूँ। बट मेन फोकस मेरा ये है कि मेरे को रैप करने और गाने करने। व्लॉगिंग ठीक है, व्लॉगिंग के थ्रू व्लॉगिंग इसलिए थी कि बहुत सी चीज़ें होती ना, रैप में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं समझा के बोले ना वो समझ नहीं सकते। रैप की अगर हम बोल रहे हैं ना, हमें पता हम इस लाइन को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल रहा है, और सामने वाला बंदा नहीं ना समझ पाएगा। तो इसके लिए व्लॉगिंग भी है, कुछ चीज़ें हम ऐसे भी बोल के कर देते हैं। और बंदों के साथ आई थिंक जब से मैंने व्लॉग शुरू किया ना तो उससे के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गया, क्योंकि बंदों के भी जैसे फ़ोन आते हैं कि भाई जब कभी इधर आएगा डोडा या वगैरह हमसे मिलना। तो अभी मेन चीज़ यही है कि अभी एक गाना है उसका ही अभी है, तो बाकी देख लेते यार। गोयल गोस्वामी है और बड़ा रहने वाले हैं और मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं और नेशनल लेवल ट्रैक कर रहे हैं। और बाकी ट्रैकिंग मेरा प्रोफेशन है, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग जिनका लिए कि भलाई प्रमोट करने चाहता मस और साथ साथ एंटरटेन भी कर रहा और तैसे से पसंद है कि बदला इशू बदला भी अगर कुछ नौ है चे पसंद है जनरल नौ ने जो मगर तो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा। तो बात ही थी फॉलोअर मैं फॉलोअर्स इन सब का अनूप गोस्वामी जी हो गए, इधर हमारे गोयल साहब हो गए, डोडा डायरी, अजितेश, इधर असीम, मैं सपोर्ट में हाजिर हूं। इसी ग्रुप में नारा तू ही है। मैं आज पहली बार आपसे मिल रहा हूं, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल अपना कोई नहीं है, बहुत बढ़िया सपोर्ट फुल है, तो सपोर्ट ही करेंगे फिर और क्या। बिल्कुल आए सर बाबा भाई, सब मेरी बारी है, लास्ट आगे अनु भैया। हां तो यही तो हमें इंतजार था, यहीं से तो व्यूज आएंगे, यहीं से तो व्यूज आएंगे। तो जरूरी नहीं तुम भी बन गए व्यूज वाले भाई। अपने बारे में क्या मतलब बोलना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, बहुत सारे सीरियल्स किए, इससे पहले थिएटर करता था और चैनल बनाया मैंने भी बाकायती काटा, भदरवाही वीडियोज़ होती हैं उसमें से भदरवाही को प्रमोट करने के लिए। मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मेरे खुद को प्रमोट करूँ और व्यूज़ लूँ, सिंपैथी लूँ, क्योंकि मेरा काम चल रहा है वहाँ पे। मैं कास्टिंग भी करता हूँ और साथ में सीरियल्स वगैरह में भी। लेकिन अभी जो ये मुद्दा था यहाँ पे सबके मिलने का यही था कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। कई सारी वीडियोस देखी, पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं, कई सारी वीडियोस देखी जिनमें लोग ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो लैंग्वेज की बात करते हैं या अपने आप को प्रमोट करने की अपने एरिया की बात करते हैं। लेकिन खुद को प्रमोट मत करो, अपनी जगह को प्रमोट करो तो फिर जगह को प्रमोट करो, लैंग्वेज को प्रमोट करो। जब आप लैंग्वेज को और जगह को प्रमोट करोगे तो खुद प्रमोट हो जाओगे। अपने आप को उसी वक्त आपने प्रमोट कर लिया। और जब भी अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो भी हैं, तो आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपको देखते हैं। लोग क्यों देखें आपको, सबसे बड़ी चीज़ है क्यों देखेंगे। गालियाँ नहीं देनी है, बहुत सारे व्लॉगर्स बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ भी है जैसे भी गाली गलौज करके हैं, गालियाँ बिल्कुल नहीं देनी है। आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, अभी आप अगर बोलोगे कि मेरे गाली देने से मेरे इतने व्यूज़ बढ़ गए, गाली देने से उतने ही व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वो आपको भी गालियाँ देंगे। फिर बहुत सारे लोग बता रहे वो तो ऐसा वीडियो, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, मैं इसको दिखाऊंगा, लेकिन फैमिली में कोई नहीं देख सकता है। हमें हर छोटे बच्चे को लेके बड़े तक साथ लेके चलना है। अगर आपको अपनी जगह को प्रमोट करना है तो छोटे से लेके बड़े को साथ लेके, हमें सिर्फ यूथ को साथ लेके नहीं चलना है कि ठीक है यार अपना नौजवान आदमी है तो गालियाँ ये क्या ये नहीं देता क्या, लेकिन ये भी सोचना है कि फीमेल भी देख रही है, लड़की भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, तो उस तरीके से अपना काम करना है। बाकी आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी विशेज़ यही हैं, बढ़ते रहो। जैसे अभी पाजी ने बोला कि व्यूज़ कम हो गए, वो होते हैं, आते हैं, जाते हैं, आपको काम रोकना नहीं है। अगर मैं अभी मुंबई पहुंचा हूं तो मैं भी 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन मैं ये सोचता है कि 1 साल में मुझे काम नहीं मिला यार तो चलो वापस चलते हैं। डटे रहो, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है तो फिर लगे रहो, बस यही है। बाकी हमारे आर जे साहब हैं जिन्होंने आज यहाँ पे ये सब गेट टुगेदर किया है, एक शायर के साथ सबसे पहले, एक शायरी के साथ सबसे पहले। मेरा नाम आर जे आर्यन है और टॉप एफ एम पे मैं 4 से 8 बोलता हूँ शाम को, टॉप इवनिंग्स विद आर जे आर्यन में। और मैं भदरवाह के लड़कों की वीडियोस देखते रहता हूँ, इसलिए भी देखता हूँ क्योंकि मैं भी भदरवाह से हूँ और भदरवाही में भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी करूँगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोस जम्मू कश्मीर के रीजन में बहुत जगह पर देखी जाएगी, क्योंकि तुम सब लोग उसको कहीं ना कहीं पोस्ट करोगे तो हर किसी को बात समझ आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम भदरवाह से हैं और भदरवाह का एक बहुत अच्छा और प्यारा कल्चर है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर ना लड़कियां आज भी मेटाडोर्स में खड़ी होके घर नहीं जाती क्योंकि कोई ना कोई लड़का बुजुर्ग उठ के उसको बैठने को बोलता है। वो हमारा एक बहुत प्यारा कल्चर है। तो हम किसी को ना, हमारे यहाँ अगर कोई भदरवाह में कोई बंदा घूमने भी आता है ना, उसको होटल नहीं मिले तो कोई भदरवाही बंदा उसको अपने घर ले जाएगा, खाना खिलाएगा, सुलाएगा, उससे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपने घर वापस कब जाना है। तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम गालियाँ किसी को नहीं निकालते। और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम कॉन्टेंट बनाएँ, इतना अच्छा कॉन्टेंट हो कि लोग देखें, शेयर करें, हमारी फैमिली भी हमारे साथ देखे, हम अपने घर वालों को बोलेंगे यार ये मेरा दोस्त है, उसने कंटेंट बनाया तो उसको भी दिखाऊं। तो मेन रीज़न ये है कि, दूसरा रीज़न ये है कि एक तो भदरवाह से हूँ, दूसरा ये कि भदरवाह वाले सुनते हैं मुझे, टॉप एफ एम पे डिस्ट्रिक्ट है मेरा और वहाँ पे एफ एम वाले सुनते हैं मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि भदरवाह की जितनी ऑडियंस है, जितनी अच्छा टैलेंट है, उस सबको मैं खुद कॉल करके बोलूँ कि यार आपका कॉन्टेंट मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत मज़ा आया, आप टॉप ए टैलेंट में मेरे पास आओ। तो ये है कि मेरा ये मेन मोटिव था। और एक दूसरे को हाथ पकड़ के लेके जाना है आगे। और ऐसा नहीं है कि किसी के 50 फॉलोअर हैं तो वो तुमसे छोटा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है किसी के 10,000 फॉलोअर हैं तो तुमसे बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो 50 फॉलोअर वाला भी उस 10,000 वाले को फॉलो करता है यार, तो तभी उसके 10,000 फॉलोअर्स हुए हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, किसी को नीचा या छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्ट्रोवर्सी जितनी होती है ना, मेरा एक मेन मोटिव यह है कि कॉन्ट्रोवर्सी से हमें दूर रहना है। हम नहीं कंट्रोवर्सी का पार्ट, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो, हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट दिखाते हैं, हम कंट्रोवर्सी नहीं करते, क्योंकि यहाँ तक अगर आए हैं, इस महफिल का अगर हिस्सा है तो खुद ही चल कर आए हैं, किसी ने बताया नहीं था कि यार कंट्रोवर्सी करके तू आ गई है। टैलेंट के बेस पे यहाँ पे आए ना सब, एक दूसरे टैलेंट के बेस पे ही मिल रहे हैं, तो टैलेंट ही दिखाना है हमको सबको। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई किसी को क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, वी डोंट केयर यार, हम सबको एक साथ चलना है। तो ये मेन मोटिव है। और जिसको जितनी हेल्प चाहिए, जैसे चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अनूप को मैसेज कर सकते हो, डोडा डायरीज है यहाँ पे, इसको मैसेज कर सकते हो, सभी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो यार, अजितेश को, असीम को, सभी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो। किसको नीड है, ऐसा होता है ना कि हम दिन का बहुत कंटेंट बनाते हैं तो वो शेयर नहीं उतना हो पाता, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि यार ये कंटेंट अच्छा बन चुका है मुझसे और लोगों ने देखा, तो हम एक दूसरे को बोलने वाले नहीं बने कि इसको शेयर कर। लोग जब देखें तो खुद बोलें कि यार इसको शेयर करना, यार कितना सही इसने काम किया। कोई किसी से जलता नहीं है, मुझे ऐसे लोग कहते हैं ना कि कोई किसी से जल रहा है यार, उसका कंटेंट शेयर नहीं किया, उसका नहीं किया, कोई किसी को बोलता है शेयर कर दे, वो बंदा फिर भी नहीं करता। शायद ये सोचना है कि वो हमसे जलता नहीं है, हमारे ही कॉन्टेंट में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा होना चाहिए कि यार भदरवाह का कॉन्टेंट पूंछ भी शेयर करे, किश्तवाड़ भी शेयर करे, जम्मू भी शेयर करे और कश्मीर भी शेयर करे, लेह भी शेयर करे, इंडिया भी शेयर करे, क्योंकि भदरवाह इंडिया में तभी विजिबल होगा जब भदरवाह हिंदी कॉन्टेंट और भदरवाही कॉन्टेंट मिक्स करके बनाएगा, ठीक ना, तभी हम विजिबल होंगे। नहीं तो हम एक रीजन में रह जाएंगे, 6 लाख की आबादी में रह जाएंगे, वहीं घूमते रह जाएंगे। हमें बाहर निकलना है ना, उससे दुनिया तक बात तभी लेके जाएंगे जब दुनिया को हमारी लैंग्वेज समझ आएगी, ठीक है ना। भदरवाही में हम उनके साथ बात कर सकते हैं जिनको भदरवाही आती है और अच्छा लगता है भदरवाही बोलना हमें, लेकिन जिनको भदरवाही नहीं आती तो उनको अपनी बात कैसे सुनाएंगे यार, उनके लिए हिंदी में कॉन्टेंट तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार जितने, और मेरा एक ये मीटिंग करने का ये भी कि भदरवाह वाले भदरवाह वालों को बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, भदरवाही की वजह से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई भदरवाही बंदा हिंदी में वीडियो बनाता है तो यार उसको भी शेयर करो यार, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आगे 10 और शेयर करेंगे और वैसे एक सर्कल चलता जाएगा, तभी भद्रवाही इंडिया के शायद तमिलनाडु में भी कोई सुन रहा हो यार। हाँ सही बात। तो ये मेरी तरफ से था, थैंक यू सो मच। अब ये बताओ चाय कौन पिला रहा है? मैं मोदी जी बना। और डोडा डायरी को शेयर करो। सबसे पहले तो तालियां डोडा डायरी से होनी चाहिए, क्योंकि ये बिना बोले जो शेयर करते हैं और बिना बोले सपोर्ट करते हैं सबको। यार जब अपना नाम बताया ना, रजत, मेरा नाम रजत है, तो मैंने कहा यार कौन कौन डोडा में क्यों? भैया आप आए हो, आप तो शेयर करते हो, आप ही तो व्यूज दिलाते हो।